کشری زبانی ہنس پرزان کشرین لوکن ہنس آواز ماضی حالت مستقبل اسپیٹ خاص نظر This program is sponsored by UltraTech, India's number one cement. Sponsored by Ghar Bulaye Jaldi, Everest Garam Masala. This program is sponsored by Khyber Cement. Dil se banao. जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एलजी ने मुश्तरका तौर पर खेलो इंडिया 2026 के लोगो और मास्कोट की निकाब कुशाई की। खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का किया इजहार। रोड सेफ्टी के हवाले से करगिल में बेदारी सेमिनार का इनेकाद। ट्रैफिक कवानीन के अमल आवरी पर दिया गया जोर। और शहीद दिवस के हवाले से लद्दाख भर में मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात का इनेकाद। शहदा को खराज अकीदत किया गया पेश। आदाब नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। लद्दाख स्पेशल के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। खेलों को फ़रोग देने और एथलेटिज्म की सकाफत को बरकरार रखने की तरफ पर एक अहम कदम के तौर पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा ने खेलो इंडिया सरमाई खेल 2024 के लोगो और मास्कोट की मुश्तरक तौर निकाब कुशाई की। तकरीब में चीफ सेक्रेटरी, खेलों के सेक्रेटरी, नौजवानों के उमूर और खेलों की वजारत हुकूमत हिंद ने भी शिरकत की, जबकि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेम्बरान भी तकरीब में मौजूद थे। बता दें कि लद्दाख में खेलो इंडिया गेम्स की शुरुआत 2 फरवरी से हो रही है, जिसमें मुल्क भर के खिलाड़ी शिरकत करें। इस हवाले से एलजी ने खिलाड़ियों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अगर सच पूछा जाए तो विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज करने की जगह तो लद्दाख ही है, क्योंकि हमसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं और हमारे यहाँ से अच्छी किसी को इतनी सुविधाएं भी नहीं है और ठंडा भी कहीं इतना नहीं पड़ता है, तो होना तो यही चाहिए था और हर बार हम कोशिश करेंगे। इसमें आज खेलो इंडिया विंटर गेम्स की जो लद्दाख में होने जा रहे हैं 2 फरवरी से 6 फरवरी के बीच में, उसके लिए लोगो और मैस्कोट को लॉन्च किया गया है। और लोगो आप सबको पता होगा कि इसमें हमारे लद्दाख के भी काफ़ी फीचर्स हैं इसमें, चाहे शांति स्तूपा हो या माउंटेन्स हो या छोटन्स हो। इसके अलावा जो मैस्कोट लॉन्च किया गया वो हमारा स्नो लेपर्ड है, तो लद्दाख के फीचर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। और हमारे इस बार पहली बार आइस हॉकी गेम्स होने जा रहे हैं जो खेलो इंडिया विंटर गेम्स के तहत, जिसमें आइस हॉकी, स्केटिंग और ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। लगभग 16 राज्यों की टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और 600 के करीब एथलीट होंगे इसमें। तो हम सब एक्साइटेड हैं इस इवेंट को लेकर और अपनी तरफ से हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि चाहे प्लेयर्स हों या फिर स्पेक्टेटर हों, सबको इसमें देखने में मजा आए। सर, ये जो 600 एथलीट्स आप लद्दाख में आ रहे हैं, तो उनका जो खेलने का कहाँ कहाँ पर प्रोग्राम किया हुआ है सर? ये तीन इसमें लोकेशन है। एक तो पहला लोकेशन तो हमारा एनडीएस जो आइस हॉकी रिंग है वो है, दूसरा लोकेशन स्पीतुक में जो गोपुक है वो है, और तीसरा लोकेशन आर्मी आइस हॉकी रिंग है। तो इन तीनों लोकेशन के रोड सेफ्टी महीने के एक हिस्से के तौर पर ट्रैफिक पुलिस लद्दाख ने आज टैक्सी स्टैंड करगिल में 6ठे सेमिनार बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक लद्दाख मुजीबुर रहमान, डीवाईएसपी ट्रैफिक करगिल मंजूर अहमद, एआरटीओ करगिल खादिम हुसैन, क्लस्टर हेड जेएंडके बैंक मोहम्मद हुसैन, इंचार्ज पुलिस चौकी करगिल शटा जोश, नेशनल इंश्योरेंस एजेंट मंसूर और मुख्तलिफ टैक्सी यूनियन के नुमाइंदों के अलावा टैक्सी मालिकान और आम लोगों ने
सेमिनार में शिरकत की। एसपी ट्रैफिक मुजीबुर रहमान ने मौजूदा हादसात की शराह पर रोशनी डाली और सड़क और ट्रांसपोर्ट की वजारत के रहनुमा खतूत पर जोर दिया। उन्होंने अवामी ताउन के किरदार पर जोर देते हुए लद्दाख में शराह अमवाद को कम करने की हिकमत अमली का खाका भी पेश किया। रहमान ने ड्राइवरों और आम लोगों पर जोर दिया कि वह हिफाजती इकदाम को तरजीह दें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, तेज रफ्तारी से गुरेज करें और जिम्मेदाराना पार्किंग खत्ते के मईशत में नकल हमल के अहम किरदार पर अदा करें। मैं यहाँ की मीडिया का सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा कारगिल में आने का एक बड़े दिन से मैं सोच रहा था मैं कारगिल जाऊँ और अपनी बात जो है लोगों तक पहुँचाऊँ। पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक महीने का रोड सेफ्टी मंथ चल रहा है जो 15 जनवरी से 14 फरवरी तक है। इसमें हमारी ये कोशिश है कि हर बंदे तक हमारी बात पहुँचे। मेरी लोगों से एक ही दरख्वास्त है कि जब भी आप गाड़ी चलाएँ आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, आप घर से ये सोच के निकलें कि हमने गाड़ी को पार्क कहाँ करना है। हम बीच बाज़ार में गाड़ी को कहीं ऐसी जगह पार्क न करें जिससे बागियों को दिक्कत आ जाए। अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप हेलमेट का यूज़ करें, आपके पास लाइसेंस पूरे डॉक्यूमेंट्स होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप पे बड़ा फ़ाइन होगा। फ़ाइन तो इसलिए होता है ताकि इंसान सुधर जाए, इंसान कोई गलती ना करे, बट हम उसका मौका ही ना दें कि ताकि ट्रैफिक या पुलिस आपको जो फाइन करे। हम पुलिस को देख के या ट्रैफिक को देख के सीट बेल्ट या हेलमेट का इस्तेमाल ना करें, बल्कि हम ये बीइंग रिस्पॉन्सिबल बंदे होके, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होके और अपनी जो 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 पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा जो हर साल की डेथ होती है उसको कम करें और स्पीड जो है एक वो लिमिट में रखें जो बाजार में बताई जाती है कि लिमिट की स्पीड हो, या पासिस के अंदर जो 20 किलोमीटर है बाजार में 30 है, हाईवेज के ऊपर 60 है, इसको जो है आप मेंटेन रखें। सर बहुत सारे इश्यूज आपके सामने रखे सर, काफी स्टेक होल्डर्स भी यहां थे, किस तरह रिपोर्ट करेंगे सर इनके? मेरी अभी DSP ट्रैफिक से बात हो रही थी, मैं इनसे रिटर्न में लूंगा। जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के इश्यूज हैं मैं उनको रिटर्न में लिखूंगा और मैं पर्सनली से मिलूंगा भी और मेरी उनसे इंटरेक्शन होती रहती है, हम उनसे ही बात करेंगे। मैं SP ट्रैफिक श्रीनगर से भी बात करूंगा कि ये जो गाड़ियां जाती हैं अगर इनके पास है, इनके पास वहां पे अलॉटेड है तो फिर इनको खाम का तंग ना किया जाए। मुझे वहां के RTO से भी बात करनी पड़ेगी, वो भी मेरे बैचमेट हैं शाहनवाज साहब, उनसे भी बात करूंगा। खास तौर पे जो है इस एरियाज की जो गाड़ियां आती हैं करगिल से आती हैं तो खाम का जो है। SNM हस्ता लेह के अमले ने मुल्क की आज़ादी की जदोजहद के दौरान जानों का नजराना पेश करने वालों की याद में यौम शहादत पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की और जवानों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर हस्पताल का तमाम तिबी अमला तकरीब में मौजूद था। इधर सब डिवीजन PIC डरबुक में भी आज़ादी की जदोजहद के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहादा की याद में प्राइमरी हेल्थ सेंटर तंगसी में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई और जवानों को खराज अकीदत पेश किया गया। चेयरमैन CEC LAIGC करगिल डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखून ने लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा से मुलाकात की ताकि 5 अगस्त 2019 को करगिल के बाद की तंजीम नव के रहायशों से मुतलिक मुख्तलिफ मसाइल को हल किया जा सके। CEC ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में करगिल के तलबा के दाखिलों से मुतलिक मसाइल से LG को आगाह किया और करगिल के तलबा के लिए जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटियों में रिजर्वेशन कोटा जारी रखने की दरख्वास्त भी की। डॉक्टर जाफर ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तिबी इदारों बिशमूल मेडिकल कॉलेजों में करगिल के मरीजों के लिए खुसूसी नरमी और एक राबता अफसर की तकर्री और सराय की सहूलियात पर जोर दिया। LG मनोज सिन्हा ने तमाम मसाइल को मरहलावार तरीके से हल करने की यकीन दहानी कराई। बता दें कि CEC ने जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अतुल डोलू से भी मुलाकात की। ADC करगिल गुलाम अहदीन वानी और पूरे DC ऑफिस करगिल ने 30 जनवरी को मनाए जाने वाले यौम शहादा के मौके पर 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की ताकि कौम की आज़ादी और फलाह बहबूद के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले बहादुर जवानों को खराज अकीदत पेश किया जा सके। यौम शहादा जिसे शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है बहुत ज्यादा तारीखी अहमियत रखता है, जो कुर्बानी के जज्बे और आज़ादी के लिए जदोजहद की अलामत है। CMO ऑफिस लेह के कॉन्फ्रेंस हॉल में इंसदाद जुजाम यानी लेप्रोसी डे की मुहिम बदनामी का खात्मा वकार को अपनाना के थीम के तहत मनाया गया। मुहिम का आगाज आज़ादी की जदोजहद में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की याद में यौम शहादा पर 2 मिनट की खामोशी के साथ शुरू हुआ। CMO लेह डॉक्टर डिस्किट डोलमा ने बताया कि हिंदुस्तान में जुजाम का दिन 30 जनवरी को मनाया जाता है। उन्होंने तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को हिदायत दी कि वो कम्यूनिटी में इस बीमारी के बारे में आगाही फैलाए और लोगों से जुजाम के मर्ज के बारे में तमाम गलत फहमियों को दूर करें।
लद्दाख स्पेशल में फिलहाल इतना ही है। अपने मेजबान जहूर उल अलावी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।